कोरबा में देवस्थल में चोरी करने गए चोरों को मौके पर ही सजा मिल गई। दरअसल चोरों ने जैसे ही दान पेटी में चोरी के इरादे से हाथ डाला तो उनका हाथ दान पेटी में फंस गया। लाख कोशिशों के बाद भी चोर दान पेटी से हाथ नहीं निकाल पाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा पावर हाउस स्थित शनि मंदिर में दो चोरों ने धावा बोला। मंदिर में ताला तोड़कर दान पेटी से पैसे चुराने की उनकी योजना थी। इसी दौरान एक चोर का हाथ चोरी करते समय दान पेटी में फंस गया, जिसके बाद चोर ने दान पेटी से हाथ निकालने की लाख कोशिश की, लेकिन उसका हाथ लोहे की दान पेटी में फंस कर रह गया। इसी बीच पुजारी का परिवार चोरों की आवाज सुनकर जाग गया, जिसके बाद शोर सुनते ही आसपास के लोग भी मंदिर में इकट्ठा हो गए। लोगों ने दान पेटी तोड़कर बड़ी मुश्किल से चोर का हाथ बाहर निकाला। मंदिर के पुजारी ने बताया कि दोनों चोर मंदिर में रखे त्रिशूल को तोड़कर झाड़ू फंसाकर दान पेटी से पैसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक का हाथ दान पेटी में फंस गया था। चोरों को भगवान ने खुद सजा दे दी। पुलिस के मुताबिक मंदिर में चोरी करने आए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने मंदिर में चोरी के उद्देश्य से जाने की बात भी कबूल कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बालकों के रहने वाले हैं और कई जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल दोनों से अन्य चोरियों के मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।